Hello everyone. The next topic in operating system tutorial is CPU scheduling. So let's understand why there is a need of CPU scheduling. Let's understand the example. Suppose this is a CPU. here is the main memory and here is the secondary memory. okay secondary memory and this is main memory suppose i have a program p1 p2 p3 p4 and so on in secondary memory and i want to execute p1 p2 p3 so they has to reside in the main memory for the execution okay this all i have already discussed in previous videos if you haven't watched my previous videos please watch the previous videos okay so p1 p2 p3 they are residing in the main memory and they all want the cpu but since the CPU is only one, they only, only one pro process at a time will get the CPU. Okay, so P1, P2 or P3, who will get the CPU? Who decided? Mm -hmm. Decide this short term scheduler. Okay, short term mm -hmm. scheduler. This is already I have discussed short term scheduler and this is also known as schedule, uh, CPU schedulers. ओके शॉर्ट टर्म शेड्यूलर ऑल्सो नोन एज शेड्यूलर सो वट क्राइटीरिया शॉर्ट टर्म शेड्यूलर विल यूज सपोज आई हैव सेट कि पी वन विल गेट दीपी यू फर्स्ट सो हाउ आई हैव डिसाइडेड दिस शार्ट टर्म शेड्यूलर हाउ इट विल डिसाइडेड दैट पी वन विल गेट दीपी यू फर्स्ट ऑन वट क्राइटीरिया ऑन वट बेसिस इट डिस कि पी वन को पहले जाना चाहिए सीपीयू के पास आउट ऑफ रेदर पी टू एंड पी थ्री वाई नॉट पी टू सो पी वन पी टू और पी थ्री इन तीनों में से किसको पहले सी पी जाना मिलना चाहिए किसको बाद में सी पी मिलना चाहिए ये कौन डिसाइड करता है शेड्यूलर डिसाइड करता है शॉर्ट टर्म शेड्यूलर डिसाइड करता है बट क्या बेसिस है किस बेसिस पे ये डिसाइड होता है उन उसको हम बोलते हैं सी पी शेड्यूलिंग कि बहुत सारे प्रोसेस हैं क्यू में रेडी क्यू में और सारे ही प्रोसेसिस को सी पी चाहिए लेकिन किस बेसिस पे हम ये डिसाइड करेंगे कि कौन पहले सी लेगा और कौन बाद में सी लेगा ये सब डिसाइड करते हैं सी इसको बोलते हैं हम सी शेड्यूलिंग करना ठीक है और किस बेसिस पे डिसाइड होता है दिस ऑल बेस्ड ऑन सी पी यू शेड्यूलिंगिंग एलगोरिदम्स डिफरेंट डिफरेंट एलगोरिदम्स हैं और हर एल्गोरिदम का कुछ पर्टिकुलर क्राइटेरिया है उस क्राइटेरिया के बेसिस पे ही हम डिसाइड करते हैं कि कौन पहले जाएगा सो so, कौन पहले जाएगा इतने सारे प्रोसेसेस हैं मेन मेमोरी में रेडी क्यू में तो किसको पहले सीपीयू मिलेगा किसको बाद में सीपीयू मिलेगा इसको बोलते हैं सीपीयू शेड्यूलिंग और ये कौन करता है शॉर्ट टर्म शेड्यूलर करता है पर किस बेसिस पे हम ये डिसाइड करते हैं उसके लिए वी हैव टू यूज सी पी यू शेड्यूलिंग एलगोरिदम सी पी यू शेड्यूलिंग एलगोरिदम्स टू डिसाइड द क्राइटीरिया कि कौन से क्राइटीरिया के बेसिस पे हम पहले सीपी यू पर्टिकुलर प्रोसेस को दे रहे हैं या इसको दे रहे हैं या इसको दे रहे हैं दीज आर सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स सो आई विल डिस्कस दीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स विद यू ओके बिफोर दैट आई दी टू टाइप्स ऑफ सीपी सीपीयू शेड्यूलिंग ठीक है सो देर आर टू टाइप्स ऑफ सीपी शेड्यूलिंग फर्स्ट वन इज प्रियमटिव शेड्यूलिंग प्री एमटिव शेड्यूलिंग एंड दी अदर इज़ नॉन प्रियमटिव शेड्यूलिंग नॉन प्रियम्टिव शेड्यूलिंग ठीक है अब एक एक करके देखते हैं इसका मतलब क्या होता है प्रियमटिव शेड्यूलिंग का मतलब है ये है सी पी यू ठीक है ये है मेन मेमरी और मेन मेमरी में सही सपोज दो प्रोसेस हैं फॉर दी एग्जीक्यूशन ये है हमारी मेन मेमरी ठीक है मान लो कि पीवन को सी पी यू मिल गया ठीक है पीवन इज यूजिंग द सी पी यू अब मान लो कि पीवन पी टू बीच में आ गया उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है पी वन से पी टू हैज़ हायर प्रायोरिटी एज कम्पेयर टू पी वन सो पी टू इन केस ऑफ़ प्रियमटिव शेड्यूलिंग ओके आई एम टॉ अबाउट प्रियमटिव शेड्यूलिंग इफ़ पी वन इज़ ऑलरेडी एक्सेसिंग द सी पी यू एंड पी टू कम्स विद हायर प्रायरिटी पी टू की प्रायोरिटी ज़्यादा है सो पी टू कैन इंटरप्ट पी वन वो उसको हटा सकता है यहाँ से एंड विल गेट द सी पी यू दिस इज़ प्रियम्प्टिव शेड्यूलिंग एक प्रोसेस अगर ऑलरेडी एक्सेस कर रहा है सी पी यू को और कोई दूसरा प्रोसेस विद हायर प्रायोरिटी अगर आ जाता है तो जो ऑलरेडी एक्सेस कर रहा है उसको वो छोड़ना पड़ेगा सी पी यू एंड देंड दैट पी टू प्रोसेस विल गेट दी सी पी यू सो पीवन प्रियम्प पी टू प्रियम्प्स पीवन पी टू ने प्रियम्प्ट कर दिया हटा दिया सी पी यू से पीवन ने पी टू ने पी वन को हटा दिया CPU यू यूज़ करने से एंड पी टू विल गेट दी सी पी यू सो पी टू प्रियम पी वन बिकॉज पी टू हायर प्रायोरिटी तो पी वन को हटा दिया उसने वहाँ से जब पी टू एग्जीक्यूट करके बाहर आ जाएगा देन पी वन विल रेज्यूम रेज्यूम इट्स एग्जीक्यूशन जहाँ से छोड़ा था वहीं से वो वह एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देगा वापस से बट एज़ कम्पेयर विद नॉन प्रियमटिव शेड्यूलिंग नॉन प्रियमटिव scheduling में क्या है इफ पी वन विल गेट द सी पी यू ठीक है पीवन इज एक्सेसिंग द सी पी यू इफ पी टू इज ऑफ हायर प्रायरिटी देन ऑल्सो इट विल नॉट प्रियम्ट पी वन तो पीवन जब तक पूरा एग्जीक्यूट नहीं कर देता तब तक पी टू को सी पी यू नहीं मिलेगा नॉन प्रियम्पटिव शेड्यूलिंग में ये होता है यू कैन नॉट टेक ओवर द सी पी यू फ्रॉम द अदर प्रोसेस इफ ऑलरेडी वन प्रोसेस इज एक्जीक्यूटिंग द सी पी यू so this is the uh, broad these are the two types of scheduling algorithms broadly categorized scheduling algorithms cpu preemptive uh, pre scheduling algorithm and non preemptive scheduling algorithm we have various algorithms obviously but these are the two broad categories preemptive scheduling and non preemptive scheduling i hope this is clear uh, the preemptive and non preemptive scheduling this is the formal definition of preemptive scheduling and non-preemptive scheduling i have already discussed this so you can take a screenshot in the next tutorial i will discuss the types of cpu scheduling algorithms okay so this is the broadly categorized uh, the, these two types are broadly categorized okay and now under these categories we will have uh, different cpu scheduling algorithms so i will discuss it in the next tutorial i hope preemptive scheduling and non preemptive scheduling as well as what is the need of cpu scheduling is clear now thank you so much everyone please share like my videos and subscribe my channel thank you so much